हेलो स्टूडेंट्स, मेजर कल्सी क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने आपको कहा था कि अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए आज हम इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, मतलब जो और बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो बच गए थे पिछले लेक्चर में, आज उन सभी रूल्स को हम एक एक करके कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। और हाँ, जैसे ही रूल समाप्त हो जाता है उसके साथ साथ उसी रूल पे बेस्ड हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से उस रूल को समझ सकें। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कल्सी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम पहले रूल की बात करते हैं तो पहला रूल में आप देख सकते हो 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, 1/4 ऑफ एक्सेट्रा हमने यूज किया है। अब इन रूल के साथ प्रश्न बनता है कि आखिर इनके साथ वर्ब कैसे यूज होना चाहिए। तो अगर हम वर्ब की बात करते हैं तो आप एक बात सेट कर लीजिए, जिस तरीके का नाउन होगा उसी तरीके की वर्ब का यूज होना चाहिए। मतलब ये हुआ, अगर हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज हुआ तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं, मैंने कहा 1/3, मान लीजिए यहां पे 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स। अब आप देख सकते हैं 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स हमने लिखा है तो इसका मतलब आर वेटिंग फॉर यू, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर यू। अब ये आर क्यों आया? इसलिए आया कि भले ही 1/3 है लेकिन इसके साथ स्टूडेंट्स का यूज हुआ है। अब स्टूडेंट्स प्लूरल फॉर्म में है तो मतलब यहां पे प्लूरल वर्ब का यूज होना चाहिए। उसी तरीके से अगर हमने कहा, मैंने कहा 2/3 ऑफ द मनी has been stolen from the bank। अब देख सकते हैं, मैंने बोला 2/3 of the money has been stolen from the bank। अब जो money होता है वो हमेशा uncountable noun के अंतर्गत consider किया जाता है। अब ये अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा तो इसीलिए इसके साथ हमने हैज यूज किया। आपको पता है कि हैव प्लूरल होती है और हैज सिंगुलर होती है। यहां पे मैंने काउंटेबल यूज किया है, प्लूरल फॉर्म में है, और यहां पर हमने अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया इसीलिए यहां पे हैज आएगी। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, बहुत लोगों के दिमाग में आएगा सर स्टूडेंट भी तो लिख सकते हैं। नहीं, स्टूडेंट नहीं लिख पाओगे। अगर मैं स्टूडेंट, इसका मतलब स्टूडेंट आप सिंगुलर की बात कर रहे हो, अब एक स्टूडेंट का एक तिहाई थोड़ी कर दोगे। इसका मतलब है कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं, उन सभी विद्यार्थियों में से एक निश्चित संख्या में होंगे, उन संख्याओं में से एक तिहाई की आप बात कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि एक तिहाई की जब आप बात कर रहे हो तो स्टूडेंट्स होगा। लेकिन अब ये अपने आप में मनी है, मनी अपने आप में अनकाउंटेबल के अंतर्गत है। उसी तरीके मनी के अलावा और भी बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन आप यूज कर सकते हो, वाटर यूज कर सकते हो, मिल्क यूज कर सकते हो, मतलब आवश्यकता अनुसार किसी का भी यूज कर सकते हो। आप जानते हो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल है, तो ज्यादातर जो आपके एक्सप्रेशन बनेंगे वो मटेरियल नाउन से बनेंगे। तो चूंकि मैं ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगा इनसे रिलेटेड, एक एक करके एग्जाम्पल मैं समझाए दे रहा हूं, क्योंकि ओवरऑल लास्ट में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आज के लेक्चर पे बेस्ड होंगे तो उनको हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं, कभी कभार मान लीजिए मैंने कहा 1/3 ऑफ द बुक इज टू बी
रेड. अब मैंने लिखा वन थर्ड ऑफ द बुक इज टू बी रिटन. अब बात समझिएगा, ये कंडीशन बनती नहीं है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए केवल आपको बताए दे रहा हूँ. अगर आपको क्वांटिटी पता चल जाए, किसी चीज़ की मात्रा बताना संभव हो, जैसे आप कहते हो एक तिहाई आम सड़ा था, एक तिहाई आम सड़ा था, तो वन थर्ड ऑफ द मैंगो आप बोल सकते हो. आपने कहा अभी कितना बुक पढ़े हो, आपने कहा एक तिहाई लगभग कवर हो गई है, आपने कहा वन थर्ड ऑफ द बुक इज टू बी रीड. ठीक, कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी भी क्वांटिटी को, मतलब अगर सेंटेंस को आपने पढ़ा और कहीं भी आइडिया लग जाए कि हाँ इस चीज़ का क्वांटिटी भी संभव है, पॉसिबिलिटी है, स्टूडेंट का आप एक तिहाई कर सकते हो, वो क्वांटिटी नहीं बता रहा है, वो अपने आप में, ध्यान दीजिएगा वो प्लूरल में था तो एक तिहाई आपने यूज़ कर दिया. यहाँ पे बुक है, काउंटेबल नाउन है, तो अगर भले ही काउंटेबल नाउन हो लेकिन उस काउंटेबल नाउन की मात्रा बताना संभव हो, तो क्वांटिटी बताने के संभव होने के नाते सिंगुलर काउंटेबल नाउन को भी आप इन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी आप इन एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हो, और ऐसी स्थिति में इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर कंडीशन में आएगी. तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा इस पे. तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, मतलब अगले रूल की ओर मूव करते हैं. अगला लिखा है सब्जेक्ट और फिर विद टुगेदर विद, ये बहुत सारे आप देख सकते हो, अलोंग विद, इन एडिशन टू, इसी तरीके से एंड, अनलाइक, इंक्लूडिंग, तो ये आप पढ़ सकते हो खुद ही. अब जब हम इनके साथ रूल्स की बात करते हैं, मतलब वर्ब की अगर हम यूज करने की चर्चा करें, तो आप जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने कहा द मिनिस्टर, इसको आप तभी समझ पाओगे अलोंग विद हिज फॉलोअर्स is sitting outside the gate. ठीक, ये हमने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा. अब देखो यहां पे हमने लिखा है is. ठीक, अब आप बहुत अच्छे से समझिएगा, जब भी ये कंडीशंस कहीं भी अप्लाई होती हैं, तो आप देखो, आपने देखा यह द मिनिस्टर है, और फिर आपने देखा अलोंग विद, और फिर आपने देखा हिज फॉलोवर्स लिखा है. तो मोस्टली आप क्या करते हो कि फॉलोवर्स को आपने देखा तो आपने आर यूज कर दिया. लेकिन जब भी ये कहीं भी अगर कंडीशन अप्लाई होती है, तो इसीलिए मैंने सब्जेक्ट लिखवा दिया. मेन आप सब्जेक्ट इसको मानना, यानी जो वर्ब आएगी वो इनके पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होना चाहिए. मतलब अगर इनके पहले प्रयोग होने वाला नाउन सिंगुलर कंडीशन में है तो सिंगुलर वर्ब, इनके पहले प्रयोग होने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल कंडीशन में है तो प्लूरल वर्ब का यूज होना चाहिए. तो मिनिस्टर यहां पे चूंकि सिंगुलर कंडीशन में है, इसीलिए हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे. कोई दिक्कत तो आई थिंक नहीं होना चाहिए. तो एक आध दो क्वेश्चन और देख लेते हैं सेंटेंस को, मैं इसको रफ कर देता हूं. इंडस्ट्री In addition to ability is needed to execute this task. आप देख सकते हैं मैंने लिखा इंडस्ट्री इन एडिशन टू एबिलिटी इज नीडेड टू एग्जीक्यूट दिस टास्क. आप देख सकते हो इन एडिशन टू है, जो कि इस लिस्ट में भी आप देख सकते हो इन एडिशन टू का यूज हुआ है. तो मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री सिंगुलर कंडीशन में है, तो सिंगुलर कंडीशन के ना होने के नाते हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं. आई होप ये भी पॉइंट आपको समझ में आया होगा. इन सभी शब्दों का या एक्सप्रेशन का यूज हुआ है तो इनके पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होना चाहिए. तो मैं अगले रूल की ओर बढ़ता हूँ. अगला रूल आप देख सकते हो, लिखा है द ग्रेट अमाउंट ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ. एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी इन एक्सप्रेशंस का यूज होगा तो इनके साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का यूज होगा, अनकाउंटेबल नाउन.
अब जब भी अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो बेशक सी बात है अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर कंडीशन में आएगा, और जब सिंगुलर कंडीशन में आएगा तो इनके साथ जो वर्ब की कंडीशन बनेगी वो भी सिंगुलर में होना चाहिए। एक्चुअली में ये होते क्या है, ये क्वांटिटी को डिनोट करेंगे। आप देख सकते द अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, ये सभी एक्सप्रेशन को पढ़ने के बाद ये कहीं ना कहीं आइडिया लग रहा होगा कि इनसे क्वांटिटी का पता चल रहा है। जब ये क्वांटिटी को दर्शाएंगे तो बेशक सी बात है इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर में होना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा अ लार्ज अमाउंट ऑफ कवरेज, is needed to start this organization. ठीक, मैंने बोला a large amount of courage is needed to start this ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बहुत ज़्यादा साहस चाहिए इस संस्थान को शुरू करने में या स्टार्ट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं अ लार्ज अमाउंट ऑफ का हमने यूज़ किया है, इसके साथ कवरेज का यूज़ किया है, कवरेज का मतलब होता है साहस, और ये अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन कंसीडर किया जाता है। उसी तरीके से अगर हम एक और सेंटेंस देख लें तो मैं पहले इसको रफ कर देता हूँ। जैसे मैंने कहा a great deal of money has been invested in this प्रोग्राम। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं। अब अ ग्रेट डील ऑफ के स्थान पे आप लिख सकते हो अ ग्रेट या अ लार्ज लिख दो, अ लार्ज अमाउंट ऑफ। तो मैं केवल इसी को एक्सप्रेशन को ही आपको बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अ ग्रेट डील ऑफ के स्थान पे अ लार्ज अमाउंट ऑफ का यूज कर सकते हो। तो बोल सकते हो अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी हैज बीन इन्वेस्टेड इन दिस प्रोग्राम, आप इसका भी यूज कर सकते हो। तो आप अनकाउंटेबल नाउन बस याद रखना और इनके साथ सिंगुलर वर्ब कंसीडर की जाएगी। तो चलिए अगले रूल की ओर फिर बढ़ते हैं। अगर हम अगले रूल की बात करते हैं तो ये वन और टू, तो ये ऑब्लिक करके भी आ सकता है या फिर और लगा के आ सकता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी वन और टू की बात करेंगे तो इसके साथ जो भी नाउन आएगा, बेसिक सी बात है हम प्लूरल की बात करेंगे, ठीक, यानी काउंटेबल नाउन आएगा वो प्लूरल होगा और इसके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल में प्रयोग की जाएगी। इसका लॉजिक समझ लो, आप कंफ्यूज मत होना। जब भी यहाँ पे और के एक्सप्रेशन की बात की जाएगी तो जैसे आप पढ़े होंगे पिछले लेक्चर में हम लोग नीदर नॉर इधर और की कंडीशन पढ़े थे, तो वही कंडीशन ये भी है कि कन्फ्यूज मत होना कि वन के अकॉर्डिंग यूज़ कर देना बट आप टू के अकॉर्डिंग करना। तो टू है संख्या को प्रदर्शित कर रहा है और एक से ज़्यादा की बात हो रही है, जब एक से ज़्यादा की बात हो रही तो मतलब नाउन प्लूरल में होना चाहिए, और जब नाउन प्लूरल में आ जाएगा तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल में प्रयोग की जाएगी। जैसे मैंने कहा वन और टू टीचर्स हैव given some money to start this project। ये आप देख सकते हैं, मैंने बोला one or two teachers have given some money to start this project। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं have का यूज़ किया है और two के बाद हमने teachers का लिखा है, मतलब यूज़ किया गया है। तो आप कह सकते हो कि teachers यहाँ पे plural में है, two के according है, तो इसके according नहीं आएगा, plural में आया है। जब plural noun है तो इसके साथ plural verb का यूज़ किया जाएगा। ये भी आप concept समझ चुके होंगे।
अगर हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं, मैंने कहा वन और टू क्वेश्चंस आर वेरी डिफिकल्ट। ठीक, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने लिखा है वन और टू क्वेश्चंस आर वेरी डिफिकल्ट। अक्सर आप देखते हो ना, आप पेपर देखते हो तो कहते हो एक या दो क्वेश्चन बहुत, एक या दो तो ऐसे बोलते हो, तो वो क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट हैं। तो आप बोलोगे वन और टू क्वेश्चंस आर वेरी डिफिकल्ट। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर फिर से मूव करते हैं, मतलब अगले रूल की बात करेंगे। अगला रूल कह रहा है कि मोस्ट ऑफ सम ऑफ, तो आप ये एक्सप्रेशन देख सकते हैं, हाफ हाफ ऑफ, इनफ ऑफ। तो देखो इनको घबराना नहीं है, अब इनके साथ भी सेम कंडीशन है। कंडीशन सेम का मतलब है कि जिस तरीके का नाउन हो, जैसे फर्स्ट वाले रूल के अकॉर्डिंग हमने कुछ बातें आपसे की थी, उसी तरीके से जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग, जिस तरीके के नाउन इनके साथ आए हों, उसी तरीके की आप वर्ब यूज कर देना। मतलब अगर प्लूरल नाउन आए होंगे तो प्लूरल वही होंगे जो काउंटेबल होंगे, और अगर सिंगुलर होंगे तो अनकाउंटेबल की बात करेंगे। फिर से रिपीट, आप मोस्ट का मतलब होता है एक से ज्यादा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इन जितने एक्सप्रेशंस का हमने यूज किया है, तो इन एक्सप्रेशन या शब्दों का यूज हम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन के साथ यूज कर सकते हैं। अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर कंडीशन में होगा, जब सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब। इसी तरीके से काउंटेबल अगर होगा तो बेसिक सी बात है प्लूरल में होगा, और प्लूरल में होगा तो प्लूरल वर्ब का यूज होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं सम बुक्स, ठीक है, आर अवेलेबल हेयर। ये देखिए मैंने बोला सम बुक्स आर अवेलेबल हेयर, तो सम बुक्स आर अवेलेबल तो यहां पे बुक्स हो गया, ठीक है। फिर मैंने कहा सम मनी इज अवेलेबल हेयर, तो आप मनी को मनी थोड़ी लिख सकते हो। तो आप देखिए सम मनी इज अवेलेबल हेयर, ये ए है अवेलेबल हेयर। सम बुक्स, तो बुक्स क्या है प्लूरल फॉर्म में, मनी किस फॉर्म में है सिंगुलर में। इसी तरीके से आप बोलोगे मोस्ट ऑफ द वर्कर्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो जब आप मोस्ट ऑफ द वर्कर्स स्टूडेंट्स बोला तो आप इनके साथ प्लूरल वर्ब। फिर आपने बोला सम वाटर, फिर आपने बोला सम मिल्क। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इनके साथ अनकाउंटेबल तो सिंगुलर में होगा और सिंगुलर वर्ब, काउंटेबल तो प्लूरल में होगा और प्लूरल वर्ब का यूज होना चाहिए। तो मैं बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं दे रहा हूं ताकि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, मेरा केवल यही मतलब है कि आप कॉन्सेप्ट समझ पाए। तो चलिए अगले की बात करते हैं। अब यहां पे आप देख सकते हैं एमकेसी लर्निंग ऐप की हम बात कर रहे हैं। तो एमकेसी लर्निंग ऐप, आपको पता है कि एमकेसी ने पिछले 15 सालों में अब सबसे ज़्यादा भारत में सिलेक्शन दिए हैं। और लर्निंग ऐप के बारे में डिस्कस बताने का तात्पर्य यही है कि ऑनलाइन का समय चल रहा है, और आपको पता है कि ऑनलाइन के समय में एक सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके पीछे का कारण क्या है, हमें पता है कि हर जगह डाउट काउंटर की सुविधा नहीं अवेलेबल होती है, हर जगह रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं लेकिन सही तरीके से कंप्लीट नहीं मिलते हैं, ऑनलाइन डेली क्लासेस वेल ऑर्गेनाइज्ड क्लास एवरीडे, लगभग आप 5 से 6 घंटे एवरीडे क्लास, ये हर जगह संभव नहीं है। उसी तरीके से ऑनलाइन स्पीड टेस्ट, ये आप देख सकते हैं ये भी सुविधा अवेलेबल है। पीडीएफ नोट्स जनरली सभी करते हैं लेकिन वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में, सब टॉपिक वाइज जो आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड आपको थ्योरी होने चाहिए, उससे रिलेटेड आपको प्रश्न होना चाहिए, वो सभी आपको नोट्स के माध्यम से मिलेंगे। एक्सपर्ट फैकल्टी, आपको पता ही है कि यहाँ पे एक्सपर्ट चुनिंदा अपने सब्जेक्ट के जानकार फैकल्टी हैं जो आपको हर सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं। इसी तरीके से असाइनमेंट, असाइनमेंट का मतलब क्या है, असाइनमेंट का मतलब ये है कि जैसे आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक को आज पढ़ा तो उस टॉपिक से लेकर के आपको क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है। तो जैसे आप करते थे ऑफलाइन में क्या होता था, हम लोग होमवर्क देते थे, यहाँ पर होमवर्क के ही रूप में आपको जिस टॉपिक को पढ़ाया गया उसी से आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसी पे बेस्ड होंगे जो आप कल करके आएंगे, सबमिट करेंगे। अब ऑफलाइन में क्या होता था कि हम आके देखते थे, चेक करते थे, यहाँ भी वही चीज़ है,
आप सॉल्व करोगे असाइनमेंट और सबमिट करोगे, वहां हम चेक करेंगे, और अगले दिन वही होमवर्क यानी असाइनमेंट को हम आके पहले डिस्कस करेंगे, उनके बारे में बताएंगे, फिर अगले बार मतलब आगे हम मूव कर जाएंगे अपने स्टडी की ओर। यहाँ हेल्प डेस्क है, आप देख ही रहे हो, डिजिटल अटेंडेंस है पूरा, सारी चीज़ें, तो इंटरेक्टिव क्लासेस भी होती हैं, आपसे बात किया जाता है कि क्या क्या समस्याएं आ रही, कहाँ कहाँ सारी चीज़ें, मतलब एक प्रकार से हम लोग है ना बोल सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप बोल सकते हो, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं जहाँ पे हम एक एक करके इंटरेक्ट करते हैं सभी लोगों से और उनकी समस्याओं को जानने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। तो कुल मिला के आप कह सकते हो पूरा टेक्नोलॉजी से लैस है, तो जहां पे उसका पूरा एडवांटेज ले सकते हैं। तो चलिए अगले की बात करते हैं, आज की रूल पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही देखते हैं, तो लिखा है वन और टू पेंस। तो यहां अभी कुछ देर पहले हमने बताया था कि वन और टू की अगर कंडीशन अप्लाई होती है तो हम बेसिक सी बात है, इनके साथ हम प्लूरल नाउन का यूज करेंगे, और जब प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब का यूज होना चाहिए। तो बीन का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, इसका भी कॉन्सेप्ट बनेगा नहीं, वॉस का कॉन्सेप्ट होगा नहीं, इसीलिए हम ए वाले को चुनाव करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला कह रहा है कि राकेश टुगेदर विद हिज वाइफ डैश द गेस्ट ऑफ द पार्टी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीट लिखा है, यहाँ पे आर ग्रीटिंग, यहाँ पे ग्रीटिंग है और यहाँ पे ग्रीट्स है। राकेश एक सिंगुलर को डिनोट कर रहा है, और आपको पता है टुगेदर विद, जब भी अलोंग विद हो, इन एडिशन टू हो, विद हो, अलाइक हो, लाइक हो, तो ऐसी स्थिति में इनके पहले वाले नाउन, एक चीज आप और समझिए, पहले इसको समझ लो फिर हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, इनके पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होना चाहिए। तो राकेश सिंगुलर में है तो आर ग्रीटिंग हो नहीं सकता, और ग्रीटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है, ग्रीट अपने आप में प्लूरल में है तो ग्रीट्स का ही प्रयोग होना चाहिए, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सिंगुलर वर्ब है। ये देखो टुगेदर विद के साथ एक एज विल एज है, इससे बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर मान लीजिए जो एज विल एज आपको किसी भी सेंटेंस में दिखाई देता है, जैसे राम एज विल एज हिज फ्रेंड्स आप बोलते हो, तो यहां पे एज विल एज हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि राम के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी। जैसे आप टुगेदर विद के बाद के अकॉर्डिंग नहीं यूज कर रहे हो बल्कि आप राकेश के अनुसार कर रहे हो, उसी कैटेगरी में आप एज विल एज को भी आप रख लीजिए। मतलब जब भी वर्ब इसके साथ आएगी तो इसके पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आना चाहिए। सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन सिंगुलर वर्ब, और इसी तरीके से प्लूरल प्रोनाउन या नाउन हो तो प्लूरल वर्ब का यूज होना चाहिए। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर, अब प्लूरल के साथ प्लूरल। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब आप देख सकते हैं प्लेंटी ऑफ, इसके साथ नाउन कैसा है, सुगर है, सुगर अनकाउंटेबल नाउन है, तो हालांकि ये अंडरलाइन पार्ट होना चाहिए, तो आर नहीं होगा बल्कि इज होगा, तो वर्ब का कॉन्सेप्ट है नहीं, हैव बीन होगा नहीं, इंप्रूवमेंट की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे सुगर अनकाउंटेबल नाउन होता है, मटेरियल नाउन का पार्ट होता है, तो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है, तो आर नहीं होगा बल्कि यहाँ पे इसका यूज होना चाहिए। तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अच्छा एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि टेस्ट प्रेप ऐप का मतलब क्या है। देखो कितनी भी हम बुक्स पढ़ लें, कितनी भी अच्छी हमारी प्रिपरेशन हो, लेकिन जब तक हम उन रूल्स को अप्लाई करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना बेहतर तरीके से नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी स्टडी जो है अधूरी मानी जाती है। तो इसको बेहतर करने के लिए आप कह सकते हो मांझने के लिए, अपने आप को आप बेहतर तरीके से मांझना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होना चाहिए। उनके लिए आप एमकेसी टेस्ट प्रेप को आप डाउनलोड करिए, जहां पे आपको 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, उसके साथ साथ आपको 5 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे जहाँ आप अपने आप को इवेलुएट कर सकेंगे कि हाँ किस तरीके से हमारी प्रिपरेशन जा रही है और किस डायरेक्शन में है, कितना अभी हमें प्रिपरेशन करना है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस डाले गए हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, मतलब आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो इसके लिए बिल्कुल एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द डायरेक्टर अलोंग विद द स्टाफ मेंबर्स, वही चीज है तो आगे बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बस डायरेक्टर को देखना है और हेल्पिंग वर्ब को चेक करना है। डायरेक्टर कैसा है सिंगुलर में, तो यहां पे वर्ब नहीं होगा बल्कि वॉज का यूज होना चाहिए। तो आप बोलोगे द डायरेक्टर अलोंग विद द स्टाफ मेंबर्स वॉज प्रेजेंट फॉर द एनुअल डे सेलिब्रेशन, तो यहां पे आप बी वाले पार्ट में गलती है,
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द लीडर एज वेल एज, अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन मिल गया, एज वेल एज है ना, तो मोस्टली क्या करते हो आप, हिज फॉलोवर्स है, तो आप यहां पे करेक्ट मान लेते हो कि नहीं नहीं ये बात सही है, जबकि एज वेल एज के साथ वर्ब जो आती है वो इसके पहले वाले प्रयोग होने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। तो इसका मतलब द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स इज हो जाएगा फैटली इंजर्ड इन द ट्रेन एक्सीडेंट विच ऑकर्ड लास्ट नाइट नियर दिस रेलवे क्रॉसिंग। तो इसका मीनिंग तो आप समझ ही रहे होंगे, तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर जा रहा हूं। सेम थिंग यहां पे भी है, एज वेल एज की कंडीशन हमने बताई है और यहां पे रितु है सिंगुलर कंडीशन, तो आप चेक कर लो यहां पे हैव नहीं होगा बल्कि हैज के यूज होगा। तो आप बोलोगे कि रितु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैज फॉलन इन लव विद सोनू हु इज द एल्डेस्ट सन ऑफ एन एसटीओ। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ ही रहा होगा, तो रितु के अकॉर्डिंग हमने यूज किया है ना कि सम ऑफ हर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग, तो वहां पे हैज आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, अगर हम पब्लिकेशन की बात करते हैं तो किसी भी आप डिफेंस की किसी भी डिफेंस एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसके लिए बेहतर ये ज़रूरी है कि आपके पास अच्छा वेल ऑर्गेनाइज मटेरियल होना चाहिए, मतलब अच्छी किताबें होनी चाहिए, अच्छे कॉन्सेप्ट होना चाहिए उससे, मतलब आपकी जो किताबें हों उसमें सब टॉपिक वाइज डिवाइड हो, उसी सब टॉपिक को जो आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड आपके कहीं ना कहीं एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस चैप्टर में यानी प्रैक्टिस करने के लिए उसी सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होना चाहिए। तो एमकेसी पब्लिकेशन में आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी, जहां पे आप पाएंगे कि सब टॉपिक वाइज पूरा चैप्टर डिवाइड होगा और उसी सब टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जहां पे आपने रूल्स तो पढ़ा और अगर रूल्स को अप्लाई करना ही नहीं सीखा, मतलब अगर क्वेश्चन ही नहीं मिले तो रूल का याद करने का पढ़ने का कोई अर्थ नहीं होता, मतलब वही रूल्स हमें पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही सब टॉपिक्स भी पढ़ना है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन्हीं से रिलेटेड हमें प्रश्न भी सॉल्व करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक अच्छी ऑथेंटिक और अच्छी पब्लिकेशन की बुक होना चाहिए। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप एमकेसी पब्लिकेशन से आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द न्यूज पर्टेनिंग टू द सडन डिमाइस ऑफ डॉक्टर सेन, मतलब ज्यादातर जो समाचार या न्यूज कह सकते हो किससे, डॉक्टर सेन की जो अचानक डिमाइस मृत्यु हैव बीन कम्युनिकेटेड, मतलब उससे संबंधित पर्टेनिंग मतलब संबंधित जो न्यूज है वो उनके मृत्यु से संबंधित हैव बीन कम्युनिकेटेड बाई सम ऑफ द रफियंस, मतलब कुछ गुंडों के द्वारा कम्युनिकेट कर दिया गया, whom I know well, जिनको हम जानते हैं। तो आप समझ ही सकते हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं लिखा है मोस्ट ऑफ द न्यूज पर्टेनिंग टू द सडन डिमाइस ऑफ डॉक्टर सेन हैव बीन कम्युनिकेटेड। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, मोस्ट ऑफ की कंडीशन हमने बताया था कि मोस्ट ऑफ के साथ जिस तरीके का नाउन होगा उसी तरीके की वर्ब होना चाहिए। तो अगर काउंटेबल नाउन होगा तो बेशक से बात है प्लूरल में होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी, अनकाउंटेबल होगा मतलब जिसे सिंगुलर हम कंसीडर करते हैं तो सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक्चुअल में न्यूज़ है, और कभी भी अगर न्यूज़ का यूज आप सब्जेक्ट के स्थान पर करते हो तो ध्यान दीजिएगा इसे सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, और जब भी सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा तो इसका मतलब है इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए, तो हैव नहीं होगा बल्कि हैज होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझने की ज़रूरत है। अब मैं कुछ आपको रिकॉल करवा दे रहा हूँ, जैसे मैथमेटिक्स होता है, सिविक्स होता है, विषय के नाम हो गए, कोई डिसीज़ के नाम हो गए, तो ये अपने आप में भले ही दिखने में बनावट में ये प्लूरल होते हैं लेकिन सिंगुलर कंसीडर किया जाता है और इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो आशा करता हूँ आज की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, बेहतर तरीके से आप समझे होंगे। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, कुछ गिने चुने यानी आप कह सकते हो उंगलियों में गिन सकते हो कुछ रूल्स अभी बचे हैं जिसको हम अगले लेक्चर पे लेके आएंगे और देखेंगे उनके बारीकियों को। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कल्सी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं।
इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।